नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रही हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। हरियाणवी डांसिंग क्वीन सपना चौधरी अक्सर चर्चा में रहती हैं। सपना चौधरी सोशल मीडिया पर अपनी डांस वीडियोस और फोटोज के चलते सेंसेशन बनी हुई है। वहीं इन दिनों डांसर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में है। दरअसल सपना चौधरी के परिवार में उनकी भाभी ने सपना चौधरी और उनके परिवार पर घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद सपना चौधरी उनके भाई और मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। इस मामले में 18 फरवरी को सपना चौधरी को पुलिस स्टेशन भी लाया गया। दरअसल बीते दिनों सपना की भाभी उनके मां भाई और ननद पर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के संबंध में थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। सपना की भाभी का कहना है कि उनके ससुराल वाले उनसे दहेज मांग रहे हैं। सपना की भाभी ने यह भी बताया कि साल 2018 में उनकी शादी नजफगढ़ के दिल्ली में रहने वाले करण के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले लगातार दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। इस मामले में अब काफी ज्यादा पुलिस भी सतर्कता बरतती हुई आ रही है और इस बीच सपना चौधरी को हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई। अब देखना यह होगा कि आखिरकार एक्ट्रेस को लेकर इस एफआईआर का क्या असर होता है। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।